हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं लिनोवो टैब P11 को मोटो टैब G70 के साथ। मोटो टैब G70 हाल ही में लॉन्च हुई एक न्यू टैबलेट और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर की पॉपुलर टैबलेट से लिनोवो टैब P11 के साथ, जिसको आज भी काफी सारे लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जाने क्या वो आपको टैबलेट खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए, सारी सारी डिटेल्स वीडियो में। प्लीज दोस्तों विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 11 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने IPS पैनल का यूज किया है, तो ओवरऑल जो यहां पर आपको कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह काफी अच्छा होगा। ओवरऑल काफी ब्यूटीफुल डिस्प्ले यहां पर प्रोवाइड की गई है और दोस्तों इसके अंदर आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। तो काफी इस तरीके से सनलाइट वगैरह में भी अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपको काफी इस तरीके से विजिबल होगा। इस टाइप से आपको ओवरऑल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर भी आपको आई कंफर्ट मोड ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो काफी अच्छी डिस्प्ले यहां पर मोटो ने प्रोवाइड की है। बाकी दोस्तों इसको कंपेयर करें लिनोवो टैब P11 की डिस्प्ले से, तो लिनोवो टैब P11 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है अगेन सेम 11 इंचेस की, लेकिन यहां पर आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको IPS टेक्नोलॉजी दी गई है, तो ओवरऑल कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर आपको TDDI टेक्नोलॉजी दी गई है, इसकी मदद से होगा क्या कि आपको जो टच करने का एक्सपीरियंस होगा डिस्प्ले वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहां पर आपको ट्यूबी रैंसिल के सर्टिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, कंफर्ट वगैरह मोड देखने को मिल जाता है। तो दोनों डिस्प्ले आपको ओवरऑल सेम से ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहां पर आपको क्लियरिटी में भी काफी ज्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ओवरऑल दोनों के अंदर ही सेम लगभग पैनल यूज किया गया है। तो इस टाइप से यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है हीलियो का G90T, जो कि दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से आने वाला है गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। BGMI वगैरह दोस्तों आप हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह काफी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, और भी जो आपकी कैजुअल टास्क हैं वो तो काफी अच्छे से यहाँ पर आप निपटा ही सकते हैं। और दोस्तों बात करें वही लिनोवो टैब P11 के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 662 प्रोसेसर। अब जो कि दोस्तों काफी एक ओल्ड प्रोसेसर हो चुका है, A7 के अंदर ये यूज हुआ था। इसकी जो परफॉर्मेंस है मैं बोलूंगा कोई इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपकी डे टू डे टास्क है और नॉर्मल मीडियम गेमिंग आपकी काफी अच्छे से कर देता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हीलो G90 के बराबर नहीं है। हीलो G90 एक स्टेप फर्दर आगे निकल जाता है, वहां पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 4GB की रैम, 64GB वाला वेरिएंट, और दोस्तों दूसरा कोई वेरिएंट यहां पर देखने को नहीं मिलता। बस यहां पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अप टू 1TB तक का आप यहां पर मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो लिनोवो की टैबलेट के अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहां पर भी आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, अप टू 512GB तक का मेमोरी कार्ड यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहां पर आपको रैम एंड स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो लिनोवो के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि 64GB एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से यहां पर दोनों ही टैबलेट्स में रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों बात करें कैमरास की, तो मोटो टैब G70 के अंदर बैक में आपको देखने को मिल जाता है 13 MP का कैमरा, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 8 MP का कैमरा। तो कैमरास की क्वालिटी आपको नॉर्मल सी देखने को मिल जाएगी। लिनोवो टैब P11 के अंदर भी आपको सेम कैमरा सेटअप दिया गया है, तो दोस्तों कैमरा क्वालिटी में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी की कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। बात करें बैटरी की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 7700mAh की बैटरी, जो कि दोस्तों 22W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और टाइप सी पोर्ट दिया गया है यहां पर चार्जिंग के लिए। लिनोवो की टैबलेट के अंदर आपको 7500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों टाइप सी पोर्ट के थ्रू आती है, और यहां पर आपको नॉर्मल 10W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यार ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली है कि दोस्तों जो बैटरी लाइफ है वो तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस दोनों ही टैबलेट सपोर्ट करती हैं। तो ओवरऑल यहां पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ साउंड। आप मूवी देखें यहां पर, म्यूजिक सुने, आपको काफी लाउड यहां पर साउंड देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से यहां पर आपको स्पीकर्स दिए गए हैं दोनों ही टैबलेट्स के अंदर। बाकी दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट, और यहां पर आपको क्लीन स्ट्रोक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो कोई भी यहां पर आपको एक्स्ट्रा ब्लॉट बेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो UI होगी काफी ज्यादा क्लीन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा मोटो टैब G70 में। वहीं दोस्तों लिनोवो टैब P11 के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहां पर भी आपको दोस्तों क्लोज टू स्ट्रोक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर एप्स देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों दोनों में काफी ज्यादा आपको जो सॉफ्टवेयर के टर्म्स में एक्सपीरियंस होगा ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन मोटो टैब G70 में एडवांटेज है कि वहां पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया गया है। ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है मोटो टैब G70 में। बाकी दोस्तों जो क्लीननेस होगी UI में और स्मूथनेस होगी वो आपको दोनों ही टैबलेट
टैबलेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों बात करें कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों एक मेजर डिफरेंस है कि जो मोटो टैब G70 है इसके अंदर आपको वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप जो नॉर्मल वॉइस कॉल्स है वो कर पाएंगे इस टैबलेट से। लेकिन लिनोवो टैब P11 के अंदर खाली LTE का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप डाटा तो इंजॉय कर सकते हैं लेकिन वोल्टी के थ्रू जो कॉल्स वगैरह होती है वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है लिनोवो टैब P11 में। बाकी दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स के अंदर आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसी तरीके से आपके घर में कोई भी एक तरह से वाईफाई नेटवर्क को आप इजी तरीके से कनेक्ट कर यहाँ पर इंटरनेट का एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दोनों ही टैबलेट में आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से आप दो डिवाइसेस एक ही टाइम पर कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको दोनों ही टैबलेट के अंदर OTG का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा OTG के थ्रू भी एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं आप। और एक इंटरेस्टिंग फीचर और देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको दोनों ही टैबलेट्स में पोको पिन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब पोको पिन क्या होती है, तो दोस्तों इनकी मदद से आप काफी तरीके से एक्सटर्नल कीबोर्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी केबल्स लगाने की झंझट नहीं है, एक्स्ट्रा OTG वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आप एक ही टाइम पर चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने टैबलेट को, और जो एक तरह से कीबोर्ड और टचपैड का एक्सपीरियंस है वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से बाय करना पड़ता है, वो दोनों टैबलेट में इंक्लूडेड नहीं देखने को मिलता। तो इस टाइप से एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है मोटो टैब G70 और लिनोवो टैब P11 की। आपको दोनों ही टैबलेट सिमिलर सी लग रही होंगी, तो दोस्तों सिमिलर सी है क्योंकि जो मोटो है वो एक तरह से लिनोवो को एक्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो सेम सा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो मोटो टैब है लेटेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, और अच्छा प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोनों ही टैबलेट्स में वैसे तो मेटल बेल्ट है, लेकिन फिर भी जो एक तरह से मोटोरोला का टैबलेट है थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील होती है। तो इस टाइप से मोटो टैब G70 हाँ बर्थ है लिनोवो टैब P11 के कंपैरिजन में बाय करना, क्योंकि दोस्तों अब लेटेस्ट आपको इन फ्यूचर टैबलेट चलानी है, तो एक दो साल आप चलाएंगे या फिर 3 साल चलाएंगे, तो आपको एक तरह से लेटेस्ट जो प्रोसेसर वाली टैबलेट्स हैं वो बाय करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मोटो टैब G70 आप बाय कर सकते हैं। वैसे कैजुअल टास्क के लिए लिनोवो टैब P11 में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और एडवांटेज बताता हूँ लिनोवो टैब P11 में। यहाँ पर क्या है कि अगर आप लिनोवो का जो इनका ऑफिशियल पेन आता है एक तरह से एक्टिव पेन वो अगर बाय करते हैं, तो यहाँ पर आप नोट्स ले पाएंगे इसी तरीके से। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है मोटो टैब G70 के अंदर, ना ही मोटो टैब G70 की जो कंपनी है मोटोरोला उसने कहीं भी यहाँ पर ऑफिशियली मेंशन किया है या फिर ऑफिशियली बताया है। तो यहाँ पर आपको कंपेटेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ पर आप एक्टिव पेन का यूज इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इवन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन लिनोवो टैब P11 में कि फॉर श्योर अगर आप लिनोवो का एक तरह से जो एक्टिव पेन आता है वो बाय करते हैं, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से नोट्स ले सकते हैं। तो इस टाइप से ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी तो दोस्तों दोनों ही टैबलेट की प्राइस आपको 23,000 रुपीज देखने को मिल जाती है। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार, जैसे कि मैंने जो जो आपको डिफरेंसेस बताए उनके अपने ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी टैबलेट बाय कर सकते हैं। जहां से आप बाय कर सकते हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। वीडियो आपको करंटली पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के।